जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। ये है दोपहर का टाइम। सुबह से हमने कुछ भी सूट नहीं किया और एक तरफ मैं सब्जी बना रही हूँ, दूसरी तरफ चावल बैठा रखा है गैस के ऊपर। और ये सुबह का टाइम का बर्तन है नाश्ता वाला। ये पानी इसका झड़ गया था तो मैं इसे वॉर्ड्रोब में लगा दूँगी। बर्तन पानी झड़ने के बाद ही मैं लगाती हूँ, नहीं तो स्मेल करने लगता है। ये है फिर नेक्स्ट डे। उसमें नाश्ते में हमने चना और लौकी का सब्जी बनाया था और पराठा बनाया था और साथ में चाय था। नाश्ता पानी करने के बाद मैं छत पर आई थी कपड़ा सुखाने, तो आप लोग के लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। पीछे का व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। सुबह से बारिश हो रहा था, अभी बारिश तो नहीं हो रहा है और धूप भी नहीं है, पर मौसम बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं आ गई थी लंच की तैयारी के लिए। उसके लिए मैं कढ़ी बना रही थी, तो लंबे लंबे प्याज को काटा है और उसे हाथ से हल्का मसल लिया है। उससे सब अलग अलग हो जाता है तो बेसन अच्छे से कूट होता है। उसमें हमने 4-5 चम्मच बेसन डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन डाला है। इन सबों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हल्का हल्का पानी डालकर इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे, जैसे पकौड़े का होता है घोल, उस टाइप का। इसमें 1 पिंच मीठा सोडा भी डालेंगे, जिससे कि हमारा पकौड़ा अच्छे से फूले और अच्छा बने। इधर हमने कढ़ाई बैठा रखा है, तेल डालेंगे कढ़ाई में और फिर पकौड़े तलेंगे। पकौड़े को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही तलेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं तलेंगे, नहीं तो वो जल जाएंगे और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। कढ़ी तो ऐसे कई तरह से बनाए जाते हैं, पर प्याज के पकौड़े वाले कढ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप लोग को कौन सा कढ़ी ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए पकौड़ा हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के पकौड़े भी तल के निकाल लेंगे। आप अपनी रेसिपी भी शेयर करना चाहें तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप किस तरह से कढ़ी बनाते हैं। और अगर आपने इस तरह से कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए सारे पकौड़े हमारे बन गए। अब उसी बर्तन में हम 2 चम्मच बेसन लेंगे और उसमें लगभग 1 कप के करीब दही लेंगे। ये ताज़ी दही है, अगर आप खट्टी दही ले तो और भी अच्छा है, 1-2 दिन का रखा हुआ। ऐसे हम पहले ऐसे ही फेंट लेंगे, जिससे कि बेसन और दही हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे हल्का और लगभग 1 लीटर पानी डालेंगे। ऐसे भी अच्छे से मिला लेंगे। इधर हमने कढ़ाई से तेल कम कर लिया है, पकौड़े वाले उसी तेल को मैंने कम करके लिया है। और उसमें राई लेंगे 1/2 चम्मच, जीरा लेंगे 1/2 चम्मच और मेथी दाना लेंगे 10 से 15 और हींग लेंगे। करी में हींग ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इस सब को चटक जाने के बाद हम जो पेस्ट बना कर रखा है हमने उसे मिला देंगे। ऐसे डालने के बाद हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि हमारे कढ़ी में एक बॉयल ना आ जाए। अगर कढ़ी में बिना बॉयल आए अगर छोड़ देंगे तो वो कढ़ी फट जाएगी, इसीलिए उसमें एक बॉयल आने तक ज़रूर चलाते रहें। ये देखिए कढ़ी में हमारा बॉयल आ चुका है। अब हम इसे थोड़ी लो फ्लेम पे करके हाफ ढक देंगे और 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है, इसे 5 मिनट और पकाएंगे ताकि थोड़ा और गाढ़ा हो जाए।
कढ़ी को जितना ज़्यादा पकाएंगे वो उतना ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए, इसमें हम पकौड़े को डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप चाहे तो इस समय गरम मसाला भी डाल सकते हैं, हमने इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला है, सिंपल ही रखा है इसे। ये सिंपल भी काफ़ी टेस्टी लगता है। अब हम इसे 5 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे लो फ्लेम पे, जिससे कि पकौड़े के अंदर तक अच्छे से ग्रेवी चला जाए। ये देखिए, कढ़ी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसमें आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक तड़का लगाऊंगी। ये देखिए, इसे हमने निकाल लिया है बाउल में, क्योंकि आयरन की कढ़ाई है ना, उसमें कढ़ी को छोड़ देंगे तो उसमें कलर काला पड़ जाएगा और टेस्ट में भी फ़र्क आ जाएगा। इसमें हम एक तड़का लगाएंगे, जिसमें 2 चम्मच घी डालेंगे, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और उसे हम तड़के में डाल देंगे कढ़ी में। उसके साथ हमने रोटी सेका था। इधर कपड़े भी हमारे सूख गए थे तो मैं छत से जाकर ले आई हूँ, और इसे फोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी तह लगा कर। उसके बाद हमने कुछ भी सूप नहीं किया, ये शाम का टाइम है और मैं चाय बना रही हूँ। आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, 2 दिन से इधर काफ़ी बारिश हो रही थी। आप लोग के तरफ मौसम का क्या हाल है? जब तक इधर हमारा चाय बन रहा है, तब तक हम सूखे बर्तन को अंदर रख लेंगे कैबिनेट में। अभी बिग बिलियन सेल चल रहा है, आप लोगों ने क्या क्या मंगाया? दुर्गा पूजा का शॉपिंग हो गया कि नहीं हुआ है आप लोग का? हमने भी काफ़ी सामान मंगा रखा है, पर अभी एक दो सामान ही आया है। धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इधर हमारा चाय भी बन गया, अब हम जा रहे हैं चाय एंजॉय करने। आ जाइए आप लोग भी साथ में चाय पीने के लिए। ये मीशो से हमने धूपबत्ती मंगाए हैं, जो 4 डब्बे में अलग अलग सुगंध का है। ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सस्ता भी है, आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं। पहले भी हमने इसे एक बार ट्राई किया है,
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।